Dear students, today we see the division of one rational number by other. Okay. उसके बाद हम लोग properties of division of rational numbers करेंगे. Okay. तो सबसे पहले division of rational numbers. Okay. Division of rational numbers. जब सपोज करिए कि a अपॉन b एक रेशनल नंबर है और उसे हमें डिवाइड करना है अदर रेशनल नंबर c अपॉन d से. ओके, a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर और हमें उसे c अपॉन d से डिवाइड करना है. तो इस डिवीजन को ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट रेशनल नंबर को लिख देते हैं. ओके, डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई में. और नेक्स्ट जो डिवाइड कर रहा है रेशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल, कैसे रेसिप्रोकल लेंगे, d अपॉन c का. यानी ये जो बाद वाला रेशनल नंबर है, 20 जो बाद वाला रेशनल नंबर है उसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो a का d से मल्टीप्लाई d एंड मल्टीप्लाई ऑफ a c इज 20. तो जब हम इस रेशनल नंबर को इस रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया. कैसे करते हैं समझ में आ जाना चाहिए. ओके, डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई. ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स. Properties of division of rational numbers. Okay. Properties of division of rational numbers. Okay. First property, कि when a rational number is divided by other, the result is also a rational. Okay. क्या है इसमें, इवन अ रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय अदर रेशनल नंबर द रिजल्ट इज आल्सो अ रेशनल नंबर. ओके, रेशनल एक रेशनल नंबर को जब हम दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, और रेशनल. ओके, इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी के व्हेन एनी रेशनल नंबर, सेकंड क्या है देखिए, कि व्हेन ए रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 रिजल्ट इज ए, सॉरी डिवाइड बाय 1 रिजल्ट इज ए बाय बी, एंड व्हेन our rational number is divided by minus 1, it is minus a upon b. It is the second rule. अगर किसी rational number को 1 से divide करेंगे तो same rational number आएगा, और यदि हम minus 1 से divide करेंगे तो उसका negative आ जाएगा, additive inverse आ जाएगा, right? Negative sign लेने पे क्या मिलता था, additive inverse आ जाएगा. Okay? Now third property. If when a rational number is divided by same rational number itself, when a rational number is divided by itself, जब किसी rational number को उसी से divide करते हैं तो result is 1, right? और जब उसके negative से divide करते हैं तो result is minus 1, okay? यह रहेगा, okay? इसके negative से divide करेंगे तो minus 1 आ जाएगा. या कह सकते हैं कि जब कोई rational number उसके नेगेटिव से डिवाइड होता है तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस 1. ये भी कैसे, बोथ ऑफ सेम. ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई. ध्यान रखना है कि जब सेम रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर 1 से डिवाइड होगा तो सेम रेशनल नंबर आएगा, माइनस 1 से होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा. अगर सेम एक रेशनल नंबर को उसी से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट 1 आएगा, और अगर किसी रेशनल नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से डिवाइड करें तो माइनस 1 आएगा. ध्यान रखना है. ओके, now fourth property is that when zero is divided by any rational number the result is zero. अगर हम किसी रेशनल जीरो को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे
जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी रेशनल नंबर रिजल्ट इज जीरो एंड व्हेन वी डिवाइड एनी रेशनल नंबर बाय जीरो नॉट डिफाइंड क्या आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड ध्यान रखिएगा जब हम किसी रेशनल नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है ये नॉट डिफाइंड ओके अब फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट ध्यान दीजिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इन प्रॉपर्टीज के नेमिंग नहीं दी गई है बट इफ ए अपॉन बी सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ और थ्री रेशनल नंबर्स नंबर्स देन देखिए अगर हम सम को डिवाइड करें किसी नंबर से देखिए क्या कहा कि a upon b plus c upon d divided by e upon f तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा पढ़ा था ना उसी तरह का हो जाएगा a upon b divided by e upon f plus c upon d divided by e upon f ध्यान रहेगा ये ओके तो इसे ध्यान रखिएगा माइनस पे भी इसी तरह का रूल लागू ओके ध्यान रखिएगा इसे अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 1C ओके एक्सरसाइज 1C एक्सरसाइज 1C जो कर ही रहे हैं उसी के लिए हमने कंसेप्ट बताया है सो इजी बहुत आसान एक्सरसाइज होती है लेकिन ध्यान रखिए पहले फर्स्ट एक्सरसाइज 1A ठीक ठीक होनी चाहिए फिर देन सेकंड एक्सरसाइज देन थर्ड एक्सरसाइज ओके सीरियल से चलेंगे ओके सिस्टमैटिक चलेंगे तो यू कैन डू बेटर एंड यू हैव टू आल्सो गिव टाइम बिना समय दिए मैथ में नहीं हो सकता है ध्यान रखिए समय दीजिए मैं नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए लापरवाही नहीं अभी लापरवाही करेंगे आदत बन जाएगी फिर उसको छोड़ नहीं पाएंगे ओके चलिए और नाउ एक्सरसाइज 1C फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट देखिए क्वेश्चन क्या दिया है इज देयर एनी रेशनल नंबर इज देयर एनी रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव दैट डज नॉट हैव इट्स रेसिप्रोकल ओके क्या दिया है इट्स रेसिप्रोकल इसे पूछा है कि क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर होता है जिसका रेसिप्रोकल डज नॉट हैव इट्स रेसिप्रोकल लिखा है ना कि क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर होता है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है यस ऐसा रेशनल नंबर है जीरो इज रेशनल नंबर 0.1 वी कैन राइट 0.1 इट इज अ रेशनल नंबर जीरो इज आल्सो अ रेशनल नंबर ओके इट इज आल्सो इंटीजर जीरो इज आल्सो इंटीजर होल नंबर ओके यस आप क्या लिखेंगे यस देयर इज और जीरो इज द रेशनल नंबर क्या लिखेंगे यस जीरो इज द रेशनल नंबर इज द रेशनल नंबर that does not have its reciprocal okay zero is the rational number that does not have its reciprocal yeah dekho okay yaad rakhiyega zero is rational number जिसका कि कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है क्योंकि अभी मैंने बताया था 0.1 लिख दीजिए और 1/0 अभी मैंने बताया था कि जीरो से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट वही ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर 6 पार्ट्स बट ऑल आर सेम चलिए मैं दो पार्ट बता दूंगा हाउ यू डिवाइड वन रेशनल नंबर बाय अदर सेकंड फर्स्ट पार्ट देखिए क्या भी है इसकी क्या करनी है डिवाइड द रेशनल नंबर्स इसमें जो रेफरेंस लिखा हुआ है डिवाइड द रेशनल नंबर्स ओके फर्स्ट पार्ट इज दैट -3/7 डिवाइडेड बाय 1/3
ठीक ऐसे करेंगे, अभी बताया था माइनस थ्री अपॉन सेवन डिवाइड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे कितना हो जाएगा थ्री अपॉन वन। देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, थ्री थ्री से नाइन और सेवन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे नाइन अपॉन सेवन माइनस नाइन अपॉन सेवन। तो जब इस रजिस्टर नंबर को इससे डिवाइड करेंगे वी गेट द रिजल्ट माइनस नाइन अपॉन सेवन। ओके एक पार्ट और देखिए हम इसमें बता रहे हैं फिफ्थ पार्ट। ओके नाउ फिफ्थ पार्ट इज गिवन माइनस सेवन बाई एट डिवाइडेड बाई माइनस थ्री बाई सिक्स। ओके सेम प्रोसीजर माइनस सेवन बाई एट मल्टी डिवाइड को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, उसके रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, सिक्स बाई माइनस थ्री। अब देखिए कोई कैंसिल हो रहा हो, यस टू थ्री जा सिक्स एंड टू फोर जा एट। ओके अब देखिए यहां से माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, या कह सकते हैं माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक ही बात है। और अब क्या बचा है देखिए, सेवन का मल्टीप्लाई किससे होना है थ्री से, और नीचे है फोर का मल्टीप्लाई भी, सॉरी ये थ्री थ्री कैंसिल भी तो हो रहा है, देखिए ये थ्री और ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा थ्री बन जा थ्री बन जा। अब देखिए क्या बचा माइनस सेवन और माइनस ये प्लस हो गया, ऊपर की ओर सेवन इंटू है टेन डिवाइडेड बाई फोर इंटू है रिजल्ट इज सेवन अपॉन फोर। ओके व्हेन वी डिवाइड दिस रेजिस्टर नंबर बाय दिस वी गेट सेवन अपॉन फोर प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस से डिवीजन प्लस हो जाएगा। ओके ध्यान रखिएगा या कैंसिल होना बोल सकते हैं उसे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सिंपलीफाई, थर्ड क्वेश्चन में दिया है सिंपलीफाई। ओके सिंपलीफाई में देखिए सेकंड क्वेश्चन बताते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली ऐसी तरह का है कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन माइनस फाइव अपॉन इलेवन डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई है फोर अपॉन इलेवन। ओके सबसे पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आगे हालांकि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे बट यू हैव टू सिंपलीफाई ब्रैकेट फर्स्ट। ओके क्या आ जाएगा देखिए माइनस फाइव अपॉन इलेवन डिवाइडेड बाई इसका मल्टीप्लाई करिए, कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, टू का मल्टीप्लाई फोर से एट और थ्री का मल्टीप्लाई थर्टी थ्री, इलेवन से करेंगे थर्टी थ्री। ओके सिंपल क्वेश्चन बन गया, देखिए माइनस फाइव अपॉन इलेवन डिवाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, और इसे रेसिप्रोकल क्या कर देंगे थर्टी थ्री अपॉन एट। अब यहाँ से कैंसिल होगा, देखिए इलेवन बन जा इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, फाइव इंटू थ्री फिफ्टी और वन इंटू एट ओके ये रिजल्ट माइनस फिफ्टीन बाई एट। ओके ये थर्ड का सेकेंड पार्ट है। ओके जिन बच्चों के पास बुक नहीं पता है तो ये विद्यार्थी प्रकाशन लिमिटेड की बुक है। ओके राइटर है बट विद्यार्थी प्रकाशन की ये बुक है। ओके आप लोग परचेज कर लीजिए। चलिए इसका एक और पार्ट बताते हैं थर्ड पार्ट, जो कि हमारे स्टूडेंट थोड़ा देख के डरते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका 45 बाई 11 डिवाइडेड बाई 15 बाई 22 मल्टीप्लाई में माइनस 7 अपॉन 11 डिवाइडेड बाय 21 अपॉन 33 एंड देन डिवाइडेड बाय देखिए 3 बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 6। ध्यान रखिए कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। ओके सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, देखिए कैसे
ये डिवाइड है, पहले ब्रैकेट के अंदर ही देखिए, ये डिवाइड है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 45 का ये अलग है, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, अब जानते हैं डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 अपॉन 50, मल्टीप्लाई अपने जगह पे है, यहाँ पे डिवाइड है, माइनस 7 अपॉन 11, मल्टीप्लाई बाई, इसको रिवर्स करिए, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, 33 अपॉन 20 पर, ये डिवाइड अपनी जगह पे भी बना रहेगा। अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, 3 वन जा 3 टू जा, ओके, तो ये कितना आ गया, 1 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 2, ओके। नाउ सिंपलीफाई, 11 वन जा 11 टू जा, ओके, कैंसिल कर लिया, और यहां से देखिए 15 वन जा 15 थ्री जा, यहां भी सिंपलीफाई हो जाएगा, 11 वन जा 11 थ्री जा, 7 वन जा 7 थ्री जा, ओके, यहां हम सिंपलीफाई कर चुके हैं। देखिए यहां से क्या आया, 3 टू जा 6 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय, यहां से देखिए कितना आया, माइनस, यहां से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, माइनस 1, कोई नंबर नहीं बचा है, आपस में कैंसिल हो गया है, ओके। एंड नाउ हियर डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 8, ओके। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे करेंगे डिवाइड, पहले होता है वर्ड मॉस के अनुसार जो रूल आप जानते हैं, उससे पहले डिवीजन होगा, ये डिवाइड को किस में कन्वर्ट करिए, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 5, ओके। अब थ्री रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट है, देखिए माइनस वन मीन्स माइनस वन अपॉन वन, माइनस आएगा ओवरऑल, माइनस लगा दिया, देखिए प्लस माइनस प्लस तो माइनस आ गया, 6 वन जा, ओके, 6 6 8 जा 48 अपॉन, नीचे कितना बचा है, 5 डिवाइडेड बाय 5, ओके। तो इस तरह से इसका रिजल्ट हमने निकाल लिया, कितना रिजल्ट आया, 48 अपॉन 5, ओके, ध्यान रखना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ क्या दिया है, इसी तरह का है, दो रिजल्ट्स इसमें फाइंड करने हैं, वैसे आप यू कैन डू, कर सकते हैं इसे फोर्थ क्वेश्चन, ओके, दो रिजल्ट्स निकालने हैं, फाइंड माइनस 4 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 11 एंड दो रिजल्ट्स निकालने हैं इसमें, ओके, माइनस 3 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट दिया है, 6 अपॉन 11, ओके, डिवाइडेड बाय 22 अपॉन 23, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। फिर पूछा है कि और द टू रिजल्ट्स द सेम, ओके, पूछा कि क्या ये दोनों रिजल्ट सेम होंगे, तो वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा सेम है या नहीं, ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज टू, इन दोनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ओके। चलिए देखा जाए, पहले फर्स्ट वैल्यू कितना लिखा है, माइनस 4 अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 4 एंड देन डिवाइडेड बाई 6 अपॉन 11, क्या करेंगे, माइनस 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 3, जानते हैं कि डिवीजन को मल्टीप्लाई पे कन्वर्ट कर लिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइडेड बाई 6 अपॉन 11, चलिए इसे सिंपलीफाई कर लीजिए, कितना आएगा, कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, माइनस 16 अपॉन 27, और डिवाइड को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 11 अपॉन 6, ओके। अब किससे, सिर्फ ये 3 2 से कैंसिल होगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 8, 8 जा 16 और 2 3 जा 6, अब देखिए माइनस 8 का मल्टीप्लाई 11 से 18 अपॉन 27 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 81, माइनस 88 अपॉन 81, इट इज द रिजल्ट नंबर 1, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला, ओके।
कितना आया है माइनस 88 अपॉन 81, याद रखिएगा माइनस 88 अपॉन 81 आया है फर्स्ट रिजल्ट इज। नाउ सेकंड रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट ये दिया हुआ है, इसको निकालते हैं। ओके अगेन इस वैल्यू को निकाला जाए, फाइंड आउट किया जाए। ओके अगेन माइनस 3 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 11 डिवाइडेड बाय 8। देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, डिवीजन अपने जगह पे रखने दीजिए, इसको सिंपलीफाई करें ब्रैकेट्स को, मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 23 अपॉन। ओके क्या कैंसिल होंगे, होगा 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 11 आ गया, मल्टीप्लाई करिए माइनस 3 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 3 का मल्टीप्लाई 69 121। ओके अब इसके आगे जानते हैं, माइनस 3 अपॉन 7 डिवाइड को किसमें कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई में 121 अपॉन 69। ओके देखिए 3 से ये थ्योर कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, अब जो बचा उसे मल्टीप्लाई करिए माइनस 121 अपॉन 7 3 जा 21 7 2 जा 14 2 16, ये रिजल्ट आ गया। ओके ये वैल्यू आई है माइनस 121 अपॉन 161 और इससे पहले वैल्यू आई थी माइनस 88 अपॉन 81। ओके तो टू रिजल्ट्स आर नॉट सेम। ओके जब आया वी सी दैट द टू रिजल्ट्स आर नॉट सेम, देयरफॉर बोथ द रिजल्ट्स आर नॉट सेम, टू रिजल्ट्स आर या बोथ रिजल्ट्स आर नॉट सेम, ऐसे लिख दीजिए both results are not same. Okay, it is question number, कौन सा question था, fourth question. Okay, now next one, fifth question, state whether the following statement is true or false. बताना है कि क्या ये false है, तो division का जो दिया है commutative law, तो commutative law hold नहीं होता है, आप इसमें लिख देंगे ओके दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके फिफ्थ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true or false, true है मतलब सही है या false means गलत है। ओके तो division का आपको दिया है, ये associative law नहीं hold होता है, ये दिया है minus 3 upon 4 minus 7 by 2 divided by 3 upon 4 equal to minus 3 upon 4 divided by minus 7 upon 2 divided by 3 by 4। देख दीजिएगा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज एसोसिएटिव लॉ डजंट होल्ड फॉर डिवीजन। एसोसिएटिव क्या लिख देंगे, फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज एसोसिएटिव लॉ does not exist for division. Division के लिए associative law hold नहीं करता है, so it is false. Okay? Now sixth question. देखिए sixth question में क्या दिया है? Question number six. Divide the sum of minus 4 upon 9 and 7 upon 3 by 5 by 6, इन दोनों के सम को इससे डिवाइड कर। ओके सॉल्यूशन में आप ऐसे लिख लेंगे
माइनस फोर अपॉन नाइन प्लस सेवन अपॉन थ्री डिवाइडेड बाई फाइव अपॉन सिक्स। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए एलसीएम लेके, इन दोनों का एलसीएम देखिए, नाइन नाइन वन जा नाइन वन आएगा, वन का ऊपर मल्टीप्लाई करिए माइनस फोर प्लस थ्री से इसे डिवाइड करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन थ्री आएगा और थ्री का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वन डिवाइडेड बाई फाइव अपॉन सिक्स। ब्रैकेट में सॉल्व कर रहे हैं, ट्वेंटी वन में फोर माइनस करिए सेवेंटी एट अपॉन नाइन, अब इसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए और सिक्स अपॉन फाइव अब कैंसिल करिए, थ्री थ्री जा नाइन थ्री टू जा सिक्स, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए सेवनटीन का टू से थर्टी फोर अपॉन थ्री का फाइव से फिफ्टी। ओके, तो इस तरह से इन दोनों के सम को किससे डिवाइड कर दिया, फाइव अपॉन सिक्स से, रिजल्ट इज थर्टी फोर अपॉन फिफ्टी। ठीक, इट इज द क्वेश्चन नंबर सिक्स। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेवन ऑल्सो, और इस बुक में टोटल क्वेश्चन दिए हैं 15, तो सेवेंथ क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे। ओके, और आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं ये तो आप लोगों की लापरवाही है, हमें सब पता चलता है, बट यू शुड वॉच द वीडियो फुल। कभी वीडियो देखना शुरू करें फुल देखिए तो अच्छी तरह हर चीजें समझ में आती है। सेवेंथ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज जीरो। क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज जीरो। देखिए दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, और दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आने के लिए जरूरी है कि उनमें से एक नंबर क्या होना चाहिए, जीरो होना ही चाहिए, मस्ट बी जीरो। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, कोई भी नंबर हो, अगर दो प्रोडक्ट का नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो उसमें से एक नंबर मस्ट बी जीरो, एक नंबर होगा ये, इफ वन ऑफ द नंबर इज, इफ वन ऑफ द नंबर इज फाइव अपॉन नाइन फाइंड द अदर। तो अभी मैंने और भी बता दिया फाइंड द अदर। ओके, तो आप आंसर लिख दीजिएगा कि सिंस द प्रोडक्ट, आप या कुछ तरीके से आंसर लिख दीजिए कि आप जानते हैं कि यदि दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, ओके, देन दैट सेकंड नंबर मस्ट बी जीरो, तो इसका सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, द नंबर मस्ट बी, द सेकंड नंबर इज जीरो, द सेकंड नंबर इज जीरो, जीरो रहेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो हम आज के वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, ओके, और इसके बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ओके, टिल देन बाय।